अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिफत मसूदी, टीचर एट बी एम एस कारियामा, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 5। डियर स्टूडेंट्स, यू नो दैट यस्टरडे वी स्टार्टेड द स्टोरी ऑफ बीरबल द वाइज, टुडे वी विल कंटिन्यू इट। यू राइट माय हाउस and I will walk. I am also going to Delhi, but I do not know the road very well. You can show me the way. The man gladly got on the prince's horse. Suraya Singh walked beside him. When they arrived at the city gates, Suraya Singh asked the man to get down. The man looked surprised. Why should I get off the horse? He asked. The prince explained politely. Now that we have reached the city, we shall have to go our different ways. I am staying here and do not want to be late. You may go where you like, was the reply. I am not stopping you, but give me my horse first, said Suraya Singh. अच्छा, इन्होंने क्या कहा? सुराया सिंह ने, इन्होंने कहा आप मेरे घोड़े पे चलिए मैं पैदल चलूँगा। उन्होंने उसको ये भी बताया, मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, बट जो सड़क है दिल्ली की वो अच्छे से मालूम नहीं है, आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं। अब जो ये मैन था, ये बड़े खुशी से वो प्रिंस के घोड़े पे चढ़ गया। और सुराया सिंह जो राजा थे मणिपुर के, उन्होंने पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। जब वो सिटी के गेट तक पहुँचे, सुराया सिंह ने उस आदमी को कहा, आप घोड़े से नीचे उतरे। वो आदमी बड़ा हैरान हुआ। वो कहता है, मैं घोड़े से नीचे क्यों उतरूंगा? सुराया सिंह जो कि ये थे राजकुमार थे मणिपुर के, उसने उसको बोला, अब हम सिटी तक पहुंच गए, अब हमारे अलग अलग रास्ते हैं, अब मैं यहाँ रुकना चाह रहा हूँ, मैं लेट नहीं होना चाहता, तुम जाओ जहाँ तुम जाना चाहते हो। उस आदमी ने कहा सुराया सिंह से कि आप जहाँ जाना चाहते हैं आप वहाँ जाओ, मैं तुम्हें रोक थोड़ी रहा हूँ। सुराया सिंह ने बोला, पहले मुझे तो मेरा घोड़ा तो दो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।